अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत बहुत मुबारक हो जी, रमज़ान आ चुका है और आज है रमज़ान की पहली सहरी। तो रोज़ा रखने के लिए उठ गए हैं, 4:15 बजे सहरी का टाइम कहते हैं ख़त्म हो जाएगा। मेरे माइंड में था 5 बजे तक, तो मैंने जॉब पे भी जाना था, लेकिन यह है कि 4:15 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, मुँह धो लिया है, सहरी बन रही है। और सहरी बन रही है तो बच्चों में से भी आज मेधा उठी हुई है और मुमताज जो सी है वो सो रही है। सुबह सुबह और कोई काम नहीं आपको है? क्या कर रही हो ये मेरा, क्या कर रही हो सुबह सुबह? रोजा रखना है आपने? रोजा रखना है? अरे रोजा रखना है? रात ये राशन का डब्बा लेके आया था, वो भी अभी तक यहीं का यहीं पड़ा है। नाश्ता भी हमारा लग चुका है, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। रोजा रखा है आपने? रोजा रख दिया? क्या खाया आपने रोजे में? दूध खाई है? ऐसा क्या हो गया उसका? क्या खाया? ये ऐसे रोजा रखते हैं? अब आपको दूध नहीं मिलना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको दूध नहीं मिलेगा। ओके ओके, दूध नहीं मिलेगा आपको। जिन बाबा दूध नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ जिन बाबा। सामान उठा लिया है जी मैंने अपना, ये देखें, ये रात हमने क्लीन भी धोया था। ऊपर रूम से सामान तो सारा निकाला ही हुआ था, तो वो लग गया था, रून भी घर था, इसको भी धो लिया। रने जुने हो चुकी हैं और निकलते हैं जी हम भी टाइम से। माशाल्लाह आज लाइटें सारी जलती है, दिन दिन चढ़ा हुआ है। मैं रास्ते में देखता आया हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग भाई हैं, नमाज पढ़ के लोग वापस जा रहे हैं माशाल्लाह। आगे सन्नाटा होता था लेकिन आज रौनक थी। अभी भी सन्नाटा ही है यहाँ पे, अब सन्नाटा ही देगा क्योंकि रमजान है, रश कम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही सलामत पहुँच गए हैं। आके अपना सिस्टम भी रेडी कर लिया, अपना चेक इन भी कर लिया, सुकून से बैठ गए हैं। गाड़ी भी आज लाइट टाइम आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से आ जाए। गाड़ी टाइम से आ जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का बैंक तक जाने के लिए। लेकिन आज बैंक बंद है, क्यों? क्योंकि आज है 23 मार्च। 23 मार्च को कौन सा दिन था ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन छुट्टी होती है बैंक की, तो आज छुट्टी है। सुकून से टाइम से सोया भी, मैं 12 बजे सोया था और 3:30 बजे फिर 3:30 बजे उठे। नहीं, 3 बजे, 3 बजे तो उठ गए हैं। नींद से तो खैर बुरा हाल है, लेकिन ट्रेन चली जाए फिर थोड़ा सा सुकून भी कर लेंगे। बाकी ये है कि रमज़ान आ गया है, आप रश नहीं होगा यहाँ पे। रमज़ान के 15 के रोज़े जब गुजर जाएंगे ना, फिर असल वाला रश आएगा। अभी तो खैर ठंड ही है, इतने ज़्यादा लोग अब सफ़र भी नहीं कर रहे, सिर्फ ज़रूरत वाले लोग सफ़र कर रहे हैं, फालतू कोई सफ़र नहीं कर रहा। बाकी देखते हैं साथ साथ क्या रूटीन है, कैसा पहला रोज़ा हमारा कैसा गुजरता है, सारा कुछ है आप साथ क्या आपके साथ आज शेयर करूँगा। अफ्तारी मेरी यहीं पर होगी क्योंकि मगरिब तक तो यहीं पर होता हूँ, तो वो भी आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। ट्रेन चली गई है टाइम से ही, 6:30 बजे का टाइम है, लेकिन आधा घंटा फिर भी लेट हो गई थी। 7:05 हो गए हैं और अब कुछ भी नहीं है, 7:05 हो गया। सुबह सुबह तो खैर कोई बुकिंग कराने भी नहीं आता, 9-10 बजे तक ही कोई आता है अगर बुकिंग कराने आना भी है तो। खैर अभी के लिए मैं अपनी नींद भी पूरी कर लूँ, क्योंकि बैंक टाइम होता था, बैंक तो नहीं जाना, बैंक बंद है, तब तक मैं सो जाता हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। मिलते हैं फिर 10 बजे। ये स्टाली ने भी सोने लिया सुकून से, जो शोर कर रही है, कब से शोर कर रही है, कर रही है। आगे पीछे कोई चक्कर नहीं होता, सारे खामोशी होती है, तब टाइम नहीं होता सोने के लिए। आज थोड़ा सा टाइम था तो हर किसी ने अपना अपना आगे रोला डाल लिया जी। आज नहाना भी नहीं है, नहा के आया हूँ, फ्रेश हूँ, आज कोई काम नहीं है, सिर्फ सोना था, लेकिन आज शोर ही बड़ा है। अल्लाह करके बादल आ ही जाए, मौसम और ठंडा हो जाए मज़ीद।
एक से लेके 3 बजे तक का खाने का टाइम होता है। अब खाना तो नहीं खाना, मैंने अपने मोबाइल का डिब्बा लेना था जो मैं उस दिन रख के आया था, उधर वो अभी तक मैंने उठाया नहीं। दूसरे नंबर पे मैंने जाना है कबाड़िया के पास, वहाँ से कुछ लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ जाके क्या लेना है, अगर मिल गया तो। क्योंकि वो न्यू भी मिलता है, वो न्यू महंगा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कबाड़ की दुकान से मिल जाए। देखते हैं क्या बनता है, कहाँ से मिलता है। दोपहर को एक ट्रेन आती होती है हज़ारा, वो तो चली गई है मेरे नमाज पढ़ते पढ़ते ही। नमाज पढ़ा था मैं, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है। फाटक साहब हमें हमेशा बंद ही मिलता है, पता नहीं दुश्मनी है कोई इसकी। असल में मैंने जाना है वो फाटक की दूसरी तरफ, वरना मैं ऊपर से भी चला जाता, लेकिन वेट ही करते हैं। गाड़ी दूर दूर नज़र तो नहीं आ रही कहीं भी। अभी देखना कैसे शोर पड़ता, आखिर आया नहीं आवाम को, सबर नहीं करना किसी ने भी। आए आए, आज़ाद हो गया पाकिस्तान, आज़ाद हो गया। 23 मार्च है ना आज। अभी आज फिर भी रश कम है, दोपहर का टाइम है ना इसलिए। यहाँ से सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं कबाड़ियों से, दरवाजे गेट शेट सारा कुछ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो मैं पता करता हूँ। के पास भी नहीं है जी चादर, एक और है कबाड़िया उसके पास पता करता हूँ, अगर वहाँ से मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर न्यू लेनी पड़ेगी। न्यू ज़्यादा महंगी है, मैंने कहा ज़्यादा बचत हो ही जाए, लेकिन लगता नहीं है कि बचत होगी। पता करते हैं फिर देखते हैं। ये देखें, एक ये भी शॉप है कबाड़ वाली, सारा कबाड़ वाला सामान मिल जाता है। और ये चीज़ चाहिए मुझे, ये चादर, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, वो जो सबसे पीछे वाली पड़ी है ना, वो मेरी लेंथ के मुताबिक है, लेकिन मुझे ऐसी 3 चाहिए, 3 सेम साइज़ की। 3 सेम साइज़ की नहीं मिलती, ये ऐसे टोटो के अंदर मिल रही है। चलो लगाते हैं साहब। ये है न्यू वाली, ये लेंथ भी पूरी है भी न्यू, कलर भी हुआ बड़ा इसका, वो वाइट वाली और ये ग्रीन वाली, ये लेंथ है पूरी। है बंदा क्या करे, किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगता, इतनी महंगाई है। अब ये मैं कबाड़िया के पास गया हूँ तो वो भी 250 रुपये किलो के हिसाब से दे रहा है, उसके पास 3 एक साइज़ की पड़ी भी नहीं है, लेंथ भी छोटी पड़ी है। सारे कबाड़िया घूम ले, किसी के पास नहीं मिली है। लेकिन अब जब मैं दूसरी शॉप पे गया हूँ जहाँ पे न्यू पड़ी हुई है बिल्कुल, उनके पास तो बाबा जी महंगाई बहुत है। वो फुटों के हिसाब से दे रहे हैं कि फुटों ये कितनी लेंथ बनती थी, 15 फुट की लेंथ थी और 2 लेंथें चाहिए थी चौड़ी की, वो बन रही हैं जी 11,500 रुपये की, सिर्फ 2 वो शीट की लेंथें जो वीडियो में मैंने आपको दिखाई है ना ग्रीन कलर की जोन सी है, ये ऐसी लंबी वाली 2 चाहिए और ये 11,500 रुपये की बन रही है। अब बंदा करे क्या ना, अब ले भी नहीं सकते, मजबूरी भी है। मजबूरी ऐसे है कि वो मेरा शायद लोग आपको याद हो, जिसके अंदर मैंने ऊपर वाला जोन सा है ना सीढ़ियों से ऊपर कमरे वाला एरिया, उसके ऊपर मैंने पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ था ताकि बारिश का पानी और धूप जोन से ना वो नीचे ना आए और दरवाजे पे ना पड़े। तो अब ऊपर वाला एरिया तो खाली है, खैर घर जाकर मैं अगर आपको समझा सका तो दोबारा से समझाऊंगा, वहाँ पे लगानी है ताकि बारिश आए तो वो सीढ़ियों से पानी नीचे ना आए और जोन से धूप है वो सीधी दरवाजे पे ना पड़े, क्योंकि गर्मियों को बहुत मसला होता है ऊपर। खैर देखते हैं, अब घर जाकर मशवरा करूँगा, रूम को बताऊँगा। बाकी पैसे तो बहुत ज़्यादा, 11,500 रुपये की सिर्फ सिंगल सीटें हैं, बाकी फिर उनको रखना, एंगल लगाने, सारा कुछ करना, वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। देखते हैं अल्लाह मालिक है। माशाल्लाह से पहला रोज़ा ही बहुत ठंडा है, मौसम चेक करें आप, ठंडी हवा चल रही है। असल का टाइम है शाम का, सादकाबाद स्टेशन सामने मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अगर ऐसे मौसम ठंडा था ना तो इंशाल्लाह पता ही नहीं चलना रमज़ान कैसे गुजर गया है। माशाल्लाह पहले रोज़े को तो पता ही नहीं चला, इतना ठंडा मौसम है तो ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। अभी क्या एनर्जी भी है ना, पहला रोज़ा है, जैसे जैसे रोज़े लोग रखते जाते हैं फिर कमज़ोरी आती जाती है। खैर ऐसे मौसम ठंडा था तो इंशाल्लाह बाकी रोज़े भी गुजर जाएंगे, बाकी नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के आया था मैं तो तब से बैठा हूँ, कोई भी नहीं आया। आज सेल तो हुई नहीं है, खैर कोई भी सफ़र नहीं कर रहा है, गाड़ियाँ भी राइट टाइम आ रही हैं,
और 6:33 पे रोज़ा खुलेगा और 6:30 हो चुके हैं। माशाल्लाह से पता ही नहीं चला कि रोज़ा था, थोड़ी सी भूख लगी बस, ज़्यादा प्यास नहीं लगी। तो दिन भी काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन मैं बाहर गया नहीं उस टाइम। बस अब चलते हैं, अफ्तारी कहाँ करनी है? अफ्तारी मैं जाकर मस्जिद में ही करूँगा, जैसे मस्जिद में सारे करते हैं, हम भी मुसाफिर हैं इस टाइम। तो चलते हैं, बस देखते हैं मस्जिद में कैसी अफ्तारी मिलती है, और साथ ही नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर वापस आते हैं इंशाल्लाह। सूरज तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, बादल की वजह से मेरे ख्याल में वैसे ना जल्दी अंधेरा हो गया है, लेकिन 6:30 का टाइम है तो अभी भी काफ़ी रोशनी है। बारिश लगता है कि हो के रहेगी लाजमी, जिस तरह से बादल हैं ना। अलहमदुलिल्लाह जी, पहला दौरा हमारा सही सलामत खुशी खुशी से कंप्लीट हो गया। मस्जिद में अफ्तारी कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा भूख ज़्यादा लगी थी, पेट नहीं भरा, तो मैं फ्रूट चाट लेने गया था, लेकिन वो तो खैर मिली नहीं है। तो दही बड़े ले आया हूँ, जल्दी से मैं इनको प्लेट में डाल दूँ, भाई भी रश लगा हुआ है, क्योंकि एक ट्रेन चली गई है और हमारी ट्रेन अब आने वाली है। बारिश होने लग गई है, ट्रेन भी आ गई। बारिश तेज हो गई है जी, मैंने कहा था ना बारिश हो जानी है, लेकिन ये है कि मेरे घर जाने का टाइम हुआ है और बारिश होने लगी है। चले जी, चली गई ट्रेन भी, ये है कि माहौल ठंडा हो गया, सुबह का रोज़ा भी इंशाल्लाह तसल्ली से रखा जाएगा। बस जल्दी से चेक इन करते हैं और बारिश रुकने का वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। तो मेरे ख्याल में आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं बैंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ज़्यादा देर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह, मैं जल्दी जल्दी सेटअप खत्म करता हूँ।